और क्या हाल है। तो यार MS धोनी को कौन नहीं जानता, और स्पेशली अगर तुम RCB के फैन हो तो मत पूछो, क्योंकि MS धोनी ने इतने मैचेस हराए ना RCB को, मैं बता भी नहीं सकता। तो यार आज हम वही MS धोनी के 5 सबसे तगड़े थग लाइफ मोमेंट्स देखने वाले हैं, तो चलाओ वीडियो को शुरू करते हैं। MS धोनी अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन जब वो खेलते थे तब उनसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि भाई साहब रिटायर कब हो रहे हो, और उसका जवाब MS धोनी उतने ही अच्छे अंदाज में देते थे। Can they continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. Go me over. Yeah, come. Okay. Well, you want me to retire? No, well, okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but you know, because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a wicket keeper. Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something? What are you waiting for? Spinning hard is my habit. I look cute with my bunny teeth. Girls are calling me rabbit. Damn it, I never planned it. पहले जब धोनी परफॉर्म नहीं करते थे तब अक्सर रिपोर्टर उनसे यही सवाल करते थे, हेलीकॉप्टर कहाँ है, क्या हुआ, हेलीकॉप्टर को जंग लग गया। एक बार धोनी का दिमाग खराब हुआ और उन्होंने दे दिया ढंग से जवाब। होता क्या है ना कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो एक पर्टिकुलर जगह में हेलीकॉप्टर उड़ता है, अगर आप समुद्र में चले जाएंगे और सबमरीन के अंदर बड़ी यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यू हैव टू सी व्हाट आर द प्लान्स। हेलीकॉप्टर शॉट एक ऐसा शॉट है जो एक पर्टिकुलर डिलीवरी पे खेला जाता है, अगर वो डिलीवरी नहीं डाली जाएगी तो मैं बाउंसर पे हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मार सकता हूँ। वीडियो यहाँ तक देखकर तुम भी समझ गए होगे कि रिपोर्टर फालतू सवाल तो करते हैं। एक बार ऐसे ही एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, भाई साहब बांग्लादेश से तो जीते हो, एक रन से क्यों जीते। MS धोनी ने जोर धर के सुनाया ना भाई साहब, मजा एक सवाल था। क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया। नहीं, सुनिए बात, सुनिए, आपकी आवाज से, आपके टोन के, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीत गया, ठीक है। और जहाँ तक क्रिकेट की मैच की बात की जाए तो स्क्रिप्ट नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट। आपको एनालाइज करना होता है कि हम टॉस हारने के बाद जिस विकेट में हमने बैटिंग की थी क्या कारण था कि हम ज्यादा रन नहीं बता पाए। अगर आप ये सारी चीजें बाहर बैठ के एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो यू शुडंट आस्क दिस क्वेश्चन। एक बार हार्दिक पांड्या लोगों के पास जा जाकर ले रहे थे उनसे मजे, और MS धोनी ने बिना कुछ कहे ही उनके मजे ले लिए। हाय माय भाई। एक बार MS धोनी गए मूवी प्रमोट करने, अब एक रिपोर्टर ने मजाक करने के लिए पूछ लिया फालतू सवाल, MS धोनी ने उसी का मजाक बना दिया। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं। क्या बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे कह रहे हो। Put me down, get ready for shutdown. Smoking. तो यार वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो देखने की अगल बगल की वीडियोस तुम देख सकते हो।